इसका आंसर नहीं है मेरे पास यहां से, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बट हम प्रोसेस समझ सकते हैं कि आपको अगर फाइनल चार्जेस पूछे होते तो आपको चार्ज कंजर्वेशन वाले टॉपिक में आप कर चुके हैं। ठीक है, बट अब इसने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। ठीक है, तो इनिशियल चार्जेस ये है, देखो सी वी नॉट तक चार्ज है, दूसरा 2C 2V0 तक, तो ये -4 CV0, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज हमेशा कितना रहेगा, -3 CV0 रहेगा। ठीक है, तो आपने इस पर अगर क्यू मान लिया, आप Q1 Q2 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपने यहाँ क्यू मान लिया तो यहाँ पर पक्का कितना होगा, -3 CV0 + Q, और इधर होगा +3 CV0 + Q, सामने -Q, इस तरह से चार्ज रहेगा टी टाइम पर, किसी जनरल टाइम टी पर चार्ज ऐसे रहेगा। तो इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए, किसी टी टाइम पर चार्ज क्लियर है क्या आपको, जबकि इनिशियल चार्ज इस तरह से है, फिर आपने कनेक्ट किया है तो टी टाइम पर ही, अब एक ही अननोन रह गया क्यों, तो आप केवीएल लिख दो इसमें और क्या करो। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपने क्यों माना है, करंट ऐसे जा रही है, तो आई इज इक्वल टू DQ/DT लेंगे इसमें। ठीक है ना, आई क्या रहेगी, DQ/DT, और बस फिर ये दिख रहा है आपको सीधा सा इंटीग्रेशन बिल्कुल सॉल्वेबल बन रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आपका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ से चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल, तो अभी इस तरह कैपेसिटर कनेक्शन में अगर पूछ ले आपसे चार्जेस टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, तब भी आप बता सकते। ठीक है, कोई डाउट बेटा इस प्रॉब्लम में किसी को तो बताइए, बात क्लियर है, चार्ज कंजर्वेशन और KVL जिस तरीके से लगाया गया है, बोलिए। यस सर, क्लियर। ओके, तो आपका एक कैपेसिटर खत्म हो गया, तो जो चाहे कर लें कैपेसिटर। ठीक है ना, SCV करें पहले और फिर पैकेज कर लें, SCV पैकेज दोनों ही खत्म करें इस वीकेंड पे आप। ठीक है ना, कैपेसिटर की SCV डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट टर्म पे, आप पहले ही। ठीक है, तो फर्स्ट 30 प्रॉब्लम तैयार रखनी है आपको नेक्स्ट वीक, जो भी पहली क्लास हो।